हेलो गाइस, मैं दिनेश, आप सबका स्वागत करता हूँ इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमारे सुपर फास्ट चैनल सेशंस चल रहे हैं, तो उन्हीं सेशंस में से आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, जो कि आपके जो हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है उसके जो डेट्स हैं, ठीक है, उसके डेट्स का कलेक्शन करके आपके लिए लाया हूँ, तो जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी डेट्स याद हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी डेट्स आपको याद हैं और कौन कौन सी नहीं हैं, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 1785 एंड 1786। तो क्या हुआ था 1785 एंड 1786 में, जो ग्रिम ब्रदर्स जैकब ग्रिम एंड विलियम ग्रिम्स हैं, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट डेट क्या है, नेक्स्ट डेट है 1789। ठीक है, द फर्स्ट क्लियर एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट डेट है 1797। 1797 में क्या हुआ था, नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वार बिगिन हुआ था 1797 में। ठीक है, उसके बाद मैं 1804 में क्या हुआ था, नेपोलियन का सिविल कोड आया था एक, तो ठीक है, सिविल कोड ऑफ नेपोलियन कोड रिमूव ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वेलिटी। ठीक है, 1807 में क्या हुआ था, 1807 में इटालियन रिवोल्यूशनरी गुसेप्पे मेज़नी वाज बोर्न। 1812 में क्या हुआ था, ग्रिम ब्रदर पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। ठीक है, और उसके बाद में 1813 में क्या हुआ था, नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ लेपिजिंग, लेपिजिंग की बैटल हार गया था नेपोलियन 1830 में। 1814 एंड 1815 में क्या हुआ था, ठीक है, फॉल ऑफ नेपोलियन द वियना पीस सेटलमेंट। ठीक है, नेपोलियन का फॉल हो गया था और वियना की जो पीस, वियना में पीस सेटलमेंट हुई थी। उसके बाद में 1815 में क्या हुआ था, द डिफीट ऑफ नेपोलियन बाय ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। उसके अगला डेट है 1821। 1821 में क्या हुआ था, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन। नेक्स्ट डेट है 1821 ही है, इसमें क्या हुआ था, 1821 में दो काम हुए थे, नेशनलिज्म स्पार्क्ड ऑफ अमंग द ग्रीक्स, तो ग्रीक्स लोगों के अंदर नेशनलिज्म की आग भड़की थी, चिंगारियां भड़की थी। ठीक है, 1824 में क्या हुआ था, इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन डाइड ऑफ फीवर। ठीक है, इंग्लिश जो पोइट था वो फीवर के कारण मर गया था। उसके बाद में फिर 1824 है, तो 1824 में दोबारा क्या हुआ था, मैसाकर ऑफ चियोस हुआ था। ठीक है, जुलाई 1830 में क्या हुआ था, द फर्स्ट अप हिल टू प्लेस इन फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट 1831 में क्या हुआ था, गुसेपे मेजनी वाज सेंट टू एक्साइल फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशंस इन लिगुरिया। उसके बाद में फिर 1831, ठीक है, 1831 में क्या हुआ था, एन आर्म रिबेलियंस टुक प्लेस अगेंस्ट रशियन रूल। ठीक है, एक आर्म रिबेलियन हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट। 1832 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशंस। ठीक है, और 1833 में क्या हुआ था, द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बैन। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना हुई थी बैन में। 18 मई 1848, इसमें क्या हुआ था, 831 यानी कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन ए फेस्टिव प्रोसेशंस टू देयर टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 1859, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कवर सोर्डनिया पिडामेंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलियन फोर्स। ठीक है, 1859 एंड 1870, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसके बाद में 1861, विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। उसके बाद में है 1866 एंड 1871, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उसके बाद में है, अगला है 1867। 1867 में क्या हुआ था, हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन। जनवरी 1871, पर्शियन किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर
इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेसाइल्स, ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? स्लेव नेशनलिज्म गैदर्ड फोर्स इन हब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर। 1707 में क्या हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 1834, 1834 में क्या हुआ था? एक कस्टम्स यूनियन ऑफ जेलवरीन वाज फॉर्मड एट इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया, ठीक है। 1845 वेवर इन सेल्सिया लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्स्ट्रक्टर, ठीक है। 1848 फ्रेंच आर्टिस्ट नेम फ्रेडरिक सोरियू प्रीपेड ए सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है। 1848 में क्या हुआ था? रिवोल्यूशंस इन यूरोप, आर्टिशियन इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स, मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इटालियन जर्मनी मैग्यार्स, ठीक है। तो ये था अपना सेशन, इसमें हमने हिस्ट्री के डेट्स किए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ते रहना क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं। बाय बाय।